नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल किसान डेयरी फार्म की तरफ से। आज की वीडियो फिर शहर श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान से लेकर आए हैं। जो भी भाई आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। आज की वीडियो शहर श्री गंगानगर से लेकर आए हैं और आज की वीडियो रात का टाइम है, 8 बजे का टाइम है, इसलिए थोड़ा अंधेरा जरूर हो रहा है, पर आपको वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी भी हमारे पास कहां कहां से कस्टमर आए हुए हैं और इन्होंने किस प्रकार के पशु खरीदे हैं और किस कितने दूध के पशु खरीदे हैं, पूरी डिटेल बताते हैं आपको वीडियो में, कस्टमरों से मिलवाते हैं आपको। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस मोबाइल नंबर बताएं। मेरा नाम चौधरी लालचंद झाजड़िया जाट, एड्रेस मेरा सूरतगढ़ रोड सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज वृद्धाश्रम रोड के ऊपर हमारा मकान है, सिद्धार्थ कॉलोनी, मकान नंबर 38, श्री गंगानगर राजस्थान, और मोबाइल नंबर मेरा 98-294-095-86। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में कहां कहां से अपने पास कस्टमर आए हैं और कितनी भैंसे खरीदी है कुल? देखो कस्टमर मेरे पास कई स्टेटों से आए हुए हैं, मैं तो स्टेटों का नाम ज्यादा कस्टमर है भूल रहा हूँ। यूपी से हैं, एमपी से हैं, और ये ग्वालियर से हैं, और अपने इधर गाजियाबाद के पास के भाई साहब आए हुए हैं, तो अभी आपको कस्टमरों के साथ में बात करवा के बता देंगे कहाँ कहाँ से सारे आए हुए हैं। कितनी भैंसे खरीदी है इन्होंने? इन्होंने टोटल 18-20 पशु खरीदे, सभी ने मिलके, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6, किसी ने 5, ऐसे करके। अच्छा जी, यहाँ से खरीदे हो या बाहर किसानों से? बाहर घूम के दिलाए हैं सारे को, यहाँ से सभी भाइयों से घूम फिर के दिलाए। अच्छा, तो कस्टमर आए हैं खुद? हाँ खुद आए हैं, सभी की मैं बात करवाता हूँ सभी के सामने। तो दोस्तों कस्टमर हो गया, आपके साथ बात करवाते हैं, अभी बुलाते हैं उनको, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर जी। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो, अपना नाम और एड्रेस बताओ। मैं एमपी से आया हूँ। हाँ जी, मेरा जिला शिवपुरी है, तहसील करहरा, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव का नाम बैसोरा कला है। अच्छा जी, एमपी से आए हो मतलब? हाँ सर जी। और कितने पशु खरीदे आपने, क्या खरीदा है? मैंने 2 गाय खरीदी है। अच्छा जी, कितने कितने की? 1 47,000, 1 35,000। 1 47,000, 1 35,000। तो आप यहाँ कब आए थे और इनका व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है इनका व्यवहार, रहने खाने की व्यवस्था, कोई परेशानी नहीं है, सब वीडियो देख के मत बोलना, बिल्कुल साफ बताना भाई साहब। नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं? नहीं नहीं। तो आपकी तरफ से जो भी भाई वीडियो देख रहा है तो आप उनको क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? मैं इनके बारे में कहना चाहूंगा, जो भी भाई आता है तो सर अगर फार्म पे पसंद आए तो फार्म से ले, नहीं सर बाहर से दिलवाएंगे पशु, चल फिर के दिलवाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ये बच्चा अकेला ही है, कितनी दूर से है? 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर से अकेला ही चल के है। अच्छा जी, अपने यूट्यूब चैनल देख के मेरा। अच्छा जी, धन्यवाद जी, माइक आगे दीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप कहाँ से आए हो जी? पूरा से आए हैं, तहसील सिकंदरा राव, जिला हाथरस, यूपी। उत्तर प्रदेश से आए हो? उत्तर प्रदेश, जिला हाथरस से। जिला हाथरस। कितने पशु खरीदे आपने? एक भैंस खरीदी है भाई। एक भैंस खरीदी? खरीदी। कितने की? 85,000 रुपए की। अच्छा, तो इनकी रहने खाने की व्यवस्था? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। कब आए थे आपको? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। रेलगाड़ी पे आए थे? रेलगाड़ी से। अच्छा, तो कोई पहुंचा आपको लेने या सीधे? या गाड़ी से, गाड़ी से लेके लेने गई थी, स्टेशन पे गाड़ी पहुंची थी। अच्छा जी, धन्यवाद जी, राम राम जी। माइक आगे दीजिए जी। राम राम भाई साहब। राम राम जी। आपका नाम और गांव? नाम मेरा जी रिजवान है। हाँ जी। रहने वाला है उत्तर प्रदेश। हाँ जी। जिला गाजियाबाद, डासना मसूरी। उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद डासना से हो आप जी? आपने कितने पशु खरीदे? 2 पशु खरीदे जी। 2 पशु खरीदे जी। कब आए थे आप? कल। कल आए थे जी। तो आप भी ट्रेन पे आए थे जी? ट्रेन से। अच्छा, तो कोई लेने पहुंचा स्टेशन पे या? जी लेने गए थे भाई। अच्छा, लेने गए थे जी। ठीक है जी, और कोई इनका व्यवहार कैसा लगा? अपनी गाड़ी से लेने गए थे जी।
व्यवहार कैसा लगा इनका? व्यवहार बहुत अच्छा है। तो आपकी तरफ से जो भी भाई वीडियो देख रहा है तो उनको क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? उनके बारे में कहना चाहेंगे बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत बढ़िया आदमी है ये, अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छा अपना आराम से रहो, खाओ पियो, भैंस देखो, पसंद ना हो तो बाहर से ले लो। अच्छा धन्यवाद जी, धन्यवाद। माइक आगे दे दीजिए। आपने दो दिए। नमस्कार जी। नमस्कार, आप कहाँ से हो जी? यूपी से, जिला गाजियाबाद, मसूरी। अच्छा, मसूरी जिला गाजियाबाद से जी। आपने कितने पशु खरीदे? दो भैंसे हैं। अच्छा, तो मैं इनकी तरह से आपसे भी पूछना चाहूंगा इनका व्यवहार और रहन सहन कैसा है? सैटिस्फाई है हम तो। हाँ जी, सैटिस्फाई है हम तो। अच्छा, सैटिस्फाई हो। हाँ। तो आपकी तरफ से जो भी देख रहा है क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में? बिल्कुल, एक बार जरूर जो है बढ़ते इन्हें बरत के जो है पशु ले, देख के ले। हाँ जी, और जो जो बातें ये कहते हैं उन्हें जो फॉलो भी करे। अच्छा, ये कह रहे हैं जो अपना खूब इत्मीनान करके जो है पशु को खरीदे। अच्छा, यहाँ से पसंद ना आए बाहर से ले, बाहर से पसंद ना आए अगर बाहर से नहीं आ रहे दोबारा जाए। अच्छा, तो फिर वापस आ जाए। अच्छा, ये मतलब ये नहीं है कि भाई मुंह बनाएंगे या इस तरह की कोई बातें करेंगे, अगर पसंद नहीं आ रहा है और वापस जाना चाहो वापस जा सकते हो। अच्छा, उसमें ये नहीं कि तुम्हारा कोई तुमसे चार्ज ले लिया जाएगा या रहने का खाने का कोई पैसा लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरी सेफ्टी है, बढ़िया। जैसे वीडियो में बोलते हैं वैसे ही है। सही है जी। हाँ, जैसे वीडियो में है, वीडियो देख के आए थे। अच्छा, कोई व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं है? नहीं, कहीं जैसे ना, वीडियो ना, में अच्छा बोले और बाद में ना? सही है, बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया है जी, धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आप कहाँ से हो भाई साहब? मैं जिला फिरोजाबाद से हूँ, गांव जरौली खुर्द से, यूपी से। यूपी से आए हो जी सर। कितने पशु खरीदे आपने? मैंने चार भैंस ली है। अच्छा जी जी, कितने कितने दूध की और कितने कितने रेट दूध में खरीदी? सबकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी क्या मैंने तो नाप के भी देखा है। हाँ जी, दो भैंसों के नीचे किला है 15-15 लीटर। अच्छा जी, और एक ब्याने के लिए है। अच्छा, और एक के नीचे है 17 लीटर दूध। 17 लीटर दूध। अच्छा, तो मतलब आप कब आए थे? मैं, मेरे को हो गया 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए जी। तो आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे मैं में? तो ये कहना चाहता हूँ सारे किसान भाइयों से। हाँ जी, जो भी पशु ले यहाँ आके गंगानगर में, तो इनसे ही खुद आके इनसे संपर्क करें, क्योंकि इनका व्यवहार बहुत बढ़िया है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपने चार भैंसे लिए जी सर। अपना एड्रेस बताना दोबारा भाई साहब। मेरा गांव जरौली खोर, जिला फिरोजाबाद। जिला फिरोजाबाद, आगरा के पास, उत्तर प्रदेश से, आगरा के पास। अच्छा जी, धन्यवाद जी, राम राम जी। राम राम जी। आगे माइक दीजिए जी। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। राम राम जी। तो आप कहाँ से आए हो? कोरा से। अच्छा, कोरा, ये जिला हाथरस। जिला हाथरस से आए हो। कितने पशु खरीदे आपने? एक एक भैंस खरीद दिया। कितने लीटर दूध की और कितने में खरीद दिया? एक में 1 लाख रुपए में। 1 लाख में कितने लीटर दूध की भैंस है? 15 लीटर की। 15 लीटर दूध की है, ठीक है जी। और तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे, व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छी, अच्छा व्यवहार है उनका। हाँ जी, और जो अच्छी प्रकार से रखते हैं, कोई साधन, सब साधन बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। राम राम जी। राम राम। माइक आगे दीजिए जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप कहाँ से आए हो? हाथरस से आए, उत्तर प्रदेश से। आप भी हाथरस से आए हो? अच्छा, अच्छा, आपने कितने पशु खरीदे हैं? चार। दो दो भैंस खरीदी। कितने कितने लीटर दूध की है? दोनों भाइयों ने। अच्छा, दोनों भाइयों ने दो दो खरीदी है। कितने कितने लीटर दूध की और कितने कितने में खरीदी है? दूध 16 लीटर की है, 1 12 की। आपने 1 16 लीटर दूध की, 1 12 की। हाँ। अच्छा जी, और दूसरी? दूसरी खरीदी है 70,000 की। 70,000 की, वो कितने लीटर दूध की है? 12 लीटर दूध की। अच्छा, तो 1 12 की खरीदी है, 1 12 लीटर दूध की, 70,000 की खरीदी है। इसमें मतलब कैसे भैंस, वो छोटी बड़ी है या कैसे है? छोटी है, 70 वाली छोटी है। हाँ, छोटी। अच्छा, तो 1 12 वाली बड़ी है। हाँ। ठीक है जी, राम राम जी। राम राम। तो दोस्तों, बातचीत काफी हो गई है, पशुओं की डिटेल बताते हैं। चार पशु यहाँ है, बाकी गाड़ी में लोड हुए हैं 5 पशु, तो आपको दिखाते हैं। गाड़ी में भी लोड हुए हैं, इसलिए रात का टाइम है, पूरे पशु दिखा नहीं सकते। और चार पशुओं की इनकी डिटेल बता देते हैं आपको, ये किस किस रेंज में, ये MP वाले भाइयों ने गाय खरीदी है। तो ये
इस गाय की डिटेल बताएं जी। ये दूसरे ब्याह ब्याही गाय, हाँ जी, साहिवाल में आती है। अच्छा जी। और 14-15 लीटर दूध आराम से दे देगी। अच्छा जी। हाँ, ये 47,000 रुपए की ली गई है। 47,000 की, 14-15 लीटर। कितने दिन की ब्याही है? 8-9 दिन की सारी ब्याही हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं, साहिवाल नस्ल की गाय 47,000 में 8 दिन की ब्याही ताजा गाय खरीदी गई है। दूसरा पशु दिखाते हैं आपको वीडियो में, इसकी डिटेल बताएं जी। हाँ, ये भैंस जोटी है, जो इसके पूरा 15.5 लीटर नाप के, हाँ जी, 15.5 लीटर दूध नाप के फिर इनको दिलाई गई है 1,12,000 रुपए में। अच्छा, जो ये भाई साहब अतरस वाले बात कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, ये 1,12,000 में दिलाई गई है। नीली रावी में आती, सिर्फ नीली रावी का मुंह के ऊपर नहीं निशान, बाकी सारे सिस्टम वही है। जोटी बहुत अच्छी है जी। और हमारे शहर श्री गंगानगर से पप्पू सेठ बाणिया जी, उनकी उनसे दिलवाई है। अच्छा, खूब बढ़िया तसल्ली करके दिलवाई है। दो टाइम दूध निकाल के, खूब बढ़िया कंप्यूटर वाले कांटे पर दूध रखा था, इनसे पूछ लो, बोलो भाई साहब कंप्यूटर कांटे पर दूध रखा नहीं रखा? हाँ जी। अच्छा जी, 1,12,000 की ये दिलवाई है। हाँ जी, ठीक है। तो इसकी डिटेल बताओ भाई साहब। ये भी ब्याणी वाणी क्या बने? हाँ जी, ये हाँ जी बताओ। हाँ, ये भी दूसरी ब्याह थी ब्याहेगी, पहले ब्याह में 14 लीटर दूध था, आपकी बार 15+ में रहेगी। अच्छा जी। हाँ, 1,00,000 रुपए की ली गई है पूरी। 1,00,000 रुपए की ये ली गई। हाँ जी, ब्याने वाली जोटी है जी। हाँ जी। तो दोस्तों, और पशु गाड़ी में लोड हो चुके हैं, रात का समय है, इसलिए ज्यादातर दिखा नहीं सकते, तो आपको ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, थोड़ी सी बातें और बताएंगे, ताकि कोई भी भाई यहाँ आए और परेशान ना हो। थोड़ी सी आपको डिटेल बताते हैं भी, किस तरह के पशु यहाँ किस रेट में मिलते हैं। कई भाई बोलते हैं भी कम रेट में पहुँच होती है, तो वो पूरी डिटेल इनसे पूछते हैं जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, तो वो बताएं जी डिटेल थोड़ी सी। मैं सभी भाइयों को ये बात बतानी चाह रहा हूँ। हाँ जी। कई भाई कहते हैं 65-70 हज़ार में वो हमें मिल जाएगी, तो 65-70 हज़ार में या 75 हज़ार में जो भैंस मिलेगी वो थोड़ी नॉर्मल भैंस होगी। घर पहुंच वाला क्या ये बताते हैं? हमारे वीडियो के अंदर घर पहुंच वाला कोई सिस्टम नहीं है। जो भैंस यहाँ से खरीदी जाएगी उसी का किराया खुद कस्टमर भरेगा। कस्टमर खुद सूझबूझ करके अपने हिसाब से कितने रुपए की भैंस लेनी है उतने रुपए की भैंस खरीदे, उसके बाद में किराया भाड़ा जो भी खर्चा लगता है कस्टमर का लगता है, उसके अंदर कोई अपना पहुंच वाला कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। तो कई भाई घर पहुंच करते हैं ये 65-70 हज़ार में। मैंने मेरे वीडियो के अंदर, मैं इसीलिए वीडियो लगा रहा हूँ, हाँ जी, घर पहुंच वाला कोई सिस्टम नहीं है। जो पशु खरीदेगा उनका किराया भाड़ा खुद का होगा। अच्छा जी। वो कस्टमर के ऊपर ही पड़ता है, पहुंच वाला पहुंच दुगुनी करके गला लगा देता है। अच्छा। उसको ये पता तो नहीं है ना कस्टमर को भैंस कितने रुपए की है। अच्छा। पहुंच वही लोग करवा रहे हैं जो वीडियो में देख के भैंस मंगवा रहे हैं। मेरे कहने का, इस वीडियो बनाने का मकसद एक है, भैंस हमारे श्री गंगानगर जिले से खरीदो, बहुत अच्छे दूध की और दुधारू भैंस है। गाय या चाहे भैंस ठंडे स्वभाव के पशु है, लगातार 8 महीने तक प्रेग्नेंट होने के बाद भी दूध दे रही है। अच्छा, अच्छी जो भैंस है, अच्छी भारी भरकम भैंस है वो। अच्छा, हड़की फुड़की भैंस है उनकी, चलो एक अलग बात है, कोई लोग सेवा करता है कोई नहीं करता, बाकी अच्छी भैंस दूध से नहीं टलती। तो मैं ये कह रहा हूँ खुद आके खुद सेलेक्ट करके फिर भैंस को खरीदो, ताकि खुद को भी नॉलेज हो भैंस कितने रुपये में आई है, मेरे कैसी है, दूड़े में कैसी है, जड़ कैसी है, था धार कैसी है, क्या क्या चीज़ कैसी है। वीडियो को थोड़े फोटो जूम करके दिखा देते हैं, 65,000 में पहुंच कर देते हैं। जब अगले घर जाके भैंस उतरती है इतनी होती है बंदरी सी, फिर वो कहते ये क्या हो गया, फिर इधर का ही नहीं रहता ना उधर का रहता। अच्छा। मेरा कहना मतलब खुद आओ, हमारे यहाँ दिलाने वाले बहुत सारे भाई लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, गंगानगर में दिलाने वाला बहुत लोग है, अच्छे अच्छे लोग है मेरे से भी, तो सभी दिलवा रहे हैं, तो उनके पास आओ तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा, वो भी अच्छी दिलवाएंगे आपको साथ में घूम के, कुछ उनको ज्ञान होता है कुछ लेने वाले को ज्ञान होगा। इसी हिसाब से खुद आके पशु खरीदो, मेरा ये कहने का मतलब है। वीडियो के थ्रू मैं खुद भी बेचना पसंद नहीं करता, अगर कोई बिल्कुल दबाव दे देगा वीडियो के थ्रू तो मैं भैंस भेजता हूँ, नहीं भेजता। दूसरी बात ये, वीडियो पर पशु भेजो, और मेरे पास है कई कंप्लेन आती है, भाई साहब हमारे साथ ठगी होगी, हमने 10,000 रुपये जमा करवा दिए, हमने 5 जमा करवा दिए, वो कह रहे भैंस आ रही है, भैंस आती नहीं, ये कोई ठग गिरोह चला हुआ है। उससे सभी जितने भी मेरे वीडियो के बाद जितने भाई लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी के खाते में बगैर जानकारी कोई 1 रुपया मत डलवाना चाहे मैं भी हूँ। अगर मेरे खाते में पैसे डलवाओ
तो मैं भी आपके एरिए के किसी आदमी की आपको गारंटी दे के आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी, ठीक है हमारा ये आदमी जानकार है और अब लालचंद जी खाते में पैसे डाल दे फिर पैसे डलवाना, नहीं तो वरना मेरे खाते में कोई आदमी भैंस के पैसे कभी मत डलवाना। अच्छा, बाकी दूर की बात है, या किसी और के खाते में डलवाओ तो उनकी आगे से आगे जानकारी लेके फिर डलवाओ। काम करने वाले अच्छे आदमी हमारे यहाँ और खराब कोई तीसरा आदमी कर रहा है तो बदनाम सभी होते हैं, तो पूरी जानकारी लेके फिर भैंस के पैसे खाते में डलवाओ। और मेरे तो कहने का मकसद ये है, खुद हमारे गंगानगर शहर के अंदर सभी दलाल भाई है, जो भी व्यापार करते हैं व्यापारी भाई है, सभी से आए खुद जहाँ जिसके साथ बनती है अच्छी पड़ती है उनके पास जाओ और उनसे खुद आके भैंस खरीदो, उससे बेहतर कोई काम नहीं है। ये तो वीडियो वाले दिए एक चौंसले वाली बात है बस, कहना मतलब ऑनलाइन ना खरीदो। हाँ, ऑनलाइन खरीदने में ठगी बहुत हो रही है, बहुत ग्राहक बहुत किसान भाई मर रहे हैं। मेरे को बहुत फोन आते हैं, दिन में कम से कम 10 फोन मेरे पास आते हैं, भाई साहब हमारे ये ऑनलाइन खरीदी थी, वीडियो में भैंस बड़ी दिखा दी, भैंस छोटी सी आई है, हम मर गए तो मैं क्या क्या इलाज है, आप खुद कर रहे हो तो हम क्या करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, मेरा पुराना काम है 1989 का, मेरे पिताजी 81 में एक्सपायर हुए थे, 81 में डेयरी फार्म का हमारा काम चालू हुआ था और 81 से वो 89 में एक्सपायर हुआ, उसके बाद में मैं उसमें 9वीं क्लास में मैं था और मैंने काम स्टार्ट कर दिया, तो उसी टाइम से मेरे को इस काम के बारे में पूरा ज्ञान, ऐसी बात नहीं ज्ञान नहीं है, कैसी भैंस होनी चाहिए, कितने लंबे तक दूध देती है, और जो भी पुराने हमारे कस्टमर है 30-35 साल के पुराने हैं वो तो हमारे कहने से भैंस लेते, दूध के भी नहीं देखते। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, खुद आके देखो और फिर भैंस ले, बाकी तो अलग अलग अपनी अपनी मर्जी है। मैं बार बार ये सभी से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, एक ठग गिरोह चला हुआ है, वो किसी का नाम डेयरी हर डेयरी वाले का नाम ले लेता है, भी मैं उसी डेयरी से बोलता हूँ आप ये पैसे डलवाओ 10,000 डलवा दो, भैंस आपकी वहाँ रही है, फिर बोलता है 20,000 डलवाओ हमारी गाड़ी पकड़ी गई। इस गिरोह से बच के रहो बिल्कुल, डलवाओ पैसे जो जानकार उसको डायरेक्ट डलवाओ के भैंस मंगो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी देख के लेने से बेटर कोई काम नहीं है। ठीक है जी, बातचीत काफी होगी, लास्ट में दोबारा से अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर बताएं। एड्रेस मेरा, नाम बताएं पहले जी। चौधरी लालचंद झाजड़िया जाट, एड्रेस सुरतगढ़ रोड सरकारी हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम रोड के ऊपर हमारा मकान है, मकान नंबर 38 सिद्धार्थ कॉलोनी श्री गंगानगर राजस्थान। और अगर कोई भाई जैसे अब मेरे पास फोन आते हैं भी हम किधर से हो गया, अगर दिल्ली से होके आते हैं तो रात को सराय रोला स्टेशन से 11:15 बजे गंगानगर के लिए गाड़ी चलती है, 175 रुपये टिकट है गंगानगर का, उसके अंदर सबसे सस्ती गाड़ी है वो और पूरी खाली आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुबह किस टाइम पहुंचती है? सुबह 7 बजे यहाँ पहुंच जाती है। अच्छा, उस टाइम हम कस्टमर को जाके ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे। अच्छा, तो हाँ स्टेशन पे जाके ले आते हो? हाँ बिल्कुल, जाके लेके आते हैं। हाँ जी ठीक है जी, धन्यवाद जी, राम राम जी। आज की वीडियो में भाई साहब सभी को इतना ही बताएंगे, आगे की वीडियो में मिलते हैं जरूर। धन्यवाद जी, राम राम जी, जय हिंद जय हिंद।